18 दिसंबर को आईपीएल 2019 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई और नीलामी में सबसे बड़ी चर्चा रही युवराज सिंह का मुंबई इंडियंस ज्वाइन करना। पहले तो ऐसा लग रहा था कि युवराज को शायद ही कोई टीम अपने पाले में ले, क्योंकि युवराज का प्रदर्शन साल 2018 में पंजाब में कुछ खास नहीं रहा, जिसकी वजह से किंग्स इलेवन पंजाब ने युवराज को रिलीज कर दिया। युवराज के रिलीज किए जाने के बाद मुंबई इंडियंस ने युवराज को 1 करोड़ की बेस प्राइस पर खरीदा। हालांकि युवराज के मुंबई इंडियंस में शामिल हो जाने के बाद अब हर किसी को युवराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बड़ी बात यह है कि युवराज का प्रदर्शन हमेशा से इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा रहा है, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में युवराज के साथ क्रिकेट खेलने वाले और वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने कहा कि युवराज के आईपीएल टीम में शामिल होने से मैं बहुत खुश हूँ और मैं मुंबई इंडियंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गंभीर ने कहा कि इस बार दुनिया देखेगी कि युवराज में अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है, वो एक चैंपियन खिलाड़ी है और हमेशा चैंपियन खिलाड़ी ही रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि गंभीर का यह बयान क्या युवराज को बूस्टअप कर पाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।